जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। आई होप आप लोगों को दिवाली बहुत ही अच्छा कटा होएगा। तो दोस्तों, दिवाली का बाद ये मेरा पहला हफ्ता है। कुछ आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा बना हुआ मेरे पास पड़ा था, उसको मैं रेडी किया। तो ब्लैक में है और ये मिल डाइट कपड़ा है। इसका उल्टा बाजू सब अलग अलग कलर है। इसमें कौन सा पैटर्न मैंने क्रिएट किया है वो एक एक करके खोल के दिखाऊंगा। चार, ये जो चार पीस है इसमें है 22 से 30 साइज, और ये है चार पीस, इसमें है 32 से 40 छोटा बच्चे का। तो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का साथ इसमें कौन सा डिजाइन हुआ है वो खोल के दिखाऊंगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहला, जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। दोस्तों, अभी हमारे पास जो कटिंग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है और उसका क्या कलर चार्ट है और उसका कौन सा पैटर्न बनेगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स रहेगा तो बना के आपको दिखाऊंगा। तो चले दोस्तों, ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हमारे पास जो कटिंग हो रहा है वो है रिएक्टिव है, सल्पर जींस में है, जो मिल डाइट कपड़ा, मिल में से कपड़ा कलर होके आता है। तो इसका कलर चार्ट भी मैं दिखाऊंगा और इसमें कुछ टाइप का पैटर्न बना रहा है ये भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लास्ट में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक है मिल डाइट, इसका ऊपर कोई कलर नहीं होएगा, ये मिल में से पक्का कलर होके आता है। और ये कपड़ा आप देख के पहचान लो, इसका कलर बहुत ही मजबूत रहता है, टिका हुआ रहता है। और इसका ऊपर जो हम डिज़ाइन क्रिएट किया है वो आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा। तो ये पहला पीस है हमारा जो 22 से 30 पीस है। इसका बैक पॉकेट में सिंपल डिज़ाइन से बना हुआ है, प्रिंट का डिज़ाइन है। और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट में है दोनों साइड प्रिंट है, और दोनों साइड प्रिंट का ऊपर एक सिलिकॉन का प्याज भी लगाया और कुछ सिलाई मार के डिजाइन बनाया। और मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इसमें सिलिकॉन का प्याज है, इसका उल्टा बाजू सब अलग अलग कलर है। तो जैसा आपको ब्लू पीस दिखा रहा हूँ जिसका उल्टा बाजू ब्लू है, वो भी कलर फेड होने का कोई चांस नहीं है। जब तक आप जींस पहनेगा तब तक इसका उल्टा बाजू ऐसा ही कलर रहेगा, क्योंकि वो जो ब्लू कलर का जो थ्रेड है, धागा है, वो पॉलिस्टर है। और जो उल्टा बाजू, जो सीधा बाजू में आप थ्रेड देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर है वो है प्योर 100% कॉटन है। तो कॉटन और जो पॉलिस्टर, इसका मिक्स में से ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा बना हुआ है। क्योंकि इस कपड़ा का जो मजबूती है वो मजबूती देने के लिए 100% कॉटन करेगा, तो आपको ये कपड़ा ज़्यादा टिका हुआ नहीं रहेगा। और ज़्यादा टिका हुआ और एक गुड लुक देने के लिए इसको दो धागा का, पॉलिस्टर और कॉटन दो धागा का मिश्रण करके मिल इसको बनाया। तो इसका उल्टा बाजू जो रेड कलर दिख रहा है वो रेड कलर है पॉली धागा, और इसका रेड बाजू जो है उल्टा बाजू में आप हाथ लगा के ऐसा फील करेगा, तौल जैसा दिखेगा, तौल यानी कि वेलवेट जैसा दिखेगा, वैसा ही फील होएगा, क्योंकि ये आपका स्किन के ऊपर रहेगा और ये बहुत कंफर्ट रहेगा पहनने में। और इसका सीधा बाजू जो है ये प्योर कॉटन है। तो आपको, आपका सामने आप एक ऑरेंज कलर का धागा से सिलाई मार के एक डिजाइन देने का कोशिश किया, एक सिलिकॉन का प्याच लगाया और इसमें रबर प्रिंट भी हुआ है। तो ये 22 से 30 नहीं है, इसका बैक पॉकेट भी आप देख सकते हैं, ये 32 से 40 है, बच्चे का पीस है। और जिसका दोनों बाजू जो ये अभी आपका सामने जो दोनों बाजू वर्क हुआ है, एक बाजू में, दोनों बाजू में डबल कलर का प्रिंट है, उल्टा बाजू का जो कलर है उसका साथ कलर मैच करके एक प्रिंट देके एक अलग गुड लुक देने का कोशिश किया है। और उसके ऊपर फ्लोरेशन ग्रीन का धागा है, धागा से कारीगर सिलाई लगा के डिजाइन बना, और एक सिलिकॉन का टैटू लगा के। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? आपको अगर ये डिजाइन पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, या आप ऑर्डर किधर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं आपको पसंद है तो। और आपको ये माल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस रहेगा, आप वहाँ पर आके ओनली ऑन होलसेल में खरीद सकता है। ये है उल्लासनगर, और उल्लासनगर में आपको ये ढेर सारे माल मिल जाएगा। मिल डाइट कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, अच्छा बोले तो मतलब मीडियम रेंज का कपड़ा है, ज़्यादा हाई फाई कपड़ा नहीं है, ज़्यादा एकदम गया गुजरा कपड़ा नहीं है, मीडियम रेंज है। फिर भी ये कम से कम 180 से लेके 250 रुपया का बीच में एक कपड़ा है। तो इसमें आपको साइज़ मिलेगा, हमारा पास अवेलेबल मिलेगा, बोले तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है वहाँ पर आपको खाली 22 साइज़ से लेके 30 साइज़ फिक्स बेल में मिलेगा। और
आपको 32 साइज से लेके 40 साइज तक आपको फिक्स बेल में मिलेगा। और इसका उल्टा बाजू आप देख सकते हैं, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है, अलग 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 अलग। और इसका जो उल्टा बाजू में जो कलर है उसका ही टचअप करके, उसका ही टचअप दिया हुआ है इसका प्रिंट में। तो आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपको जीन्स पैंट के बारे में नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरा चैनल पे जो जीन्स पैंट के बारे में जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है शायद सोशल मीडिया में किधर भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता है उससे पहले मैं यूट्यूब में या सोशल मीडिया में ढेर सारे वीडियो देख लेता हूँ, किस टाइप का वीडियो सोशल मीडिया में नहीं है, यूट्यूब का ऊपर किस टाइप का वीडियो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उस टाइप का वीडियो मैं अपना चैनल के ऊपर लेके आने के लिए। तो जो मेरा जूना व्यूअर्स है उन लोगों को मालूम है मैं किस टाइप का वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। सॉरी, अपना चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है, क्योंकि मैं तो खाली वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ आप लोग, तो चैनल आप लोगों की है, आप लोगों की है। तो दोस्तों कलर चार्ट में लास्ट में देखा देता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा बनने वाला है उसमें कलर चार्ट ये है, और इसमें क्या पैटर्न बनेगा, क्या एम्ब्रॉयडरी होएगा, क्या प्रिंट होएगा, किस टाइप का डिज़ाइन बनेगा। ये है कम से कम 24 कलर चार्ट है, और 24 कलर चार्ट में सब रोल में से मैं थोड़ा टुकड़ी काट के आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कैसा कैसा कलर रहेगा। और इसमें कलर मैचिंग का प्रिंट भी रहेगा उसका, वो हिसाब से आपको इसका ऊपर पैटर्न भी रहेगा, डिजाइन भी रहेगा। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना ये सब कलर आपको कैसे लगा। और ये मिल डाइट कपड़ा है, मिल में से पक्का जो कलर होके आता है वही कलर है ये। और इसमें अपने को खाली सिलिकॉन डाल के इसको खाली मुलायम करना है, धुलाई करना है, और इसको टेम्बलर करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में ऐसा ही छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए। दोस्तों एक दुख की बात है, आप लोग वीडियो तो देखता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, बहुत दुख होता है। दोस्तों इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए जींस पैंट के बारे में, और आप वीडियो देख के चला जाता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।